आज हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल में इससे पहले भी हमने एक एनालिसिस किया हुआ है, पर इस बार हमने ब्रेकआउट के बाद एनालिसिस किया है। और अभी मैंने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को सेट कर रखा है और यहाँ पर इस वीक में भारतीय एयरटेल ने ब्रेकआउट कर दिया है। और भारतीय एयरटेल यहाँ पर लास्ट अक्टूबर 2021 से लेकर अभी तक वो एक चार्ट पैटर्न में चल रहा था और इस वीक में यहाँ पर उसने ब्रेकआउट कर दिया है। और अब हमने दो टारगेट सेट कर रखे हैं, जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अभी उसके करंट प्राइस 799 है और यहाँ से हम दो टारगेट के लिए एंट्री कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहला जो टारगेट है वो हमारा है 872 रुपीस का, जो मैक्सिमम दो महीने के लिए है। और जो नेक्स्ट हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है वो है 969, वो हमने सेट कर रखा है मैक्सिमम 8 मंथ के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट ढूंढ रहे हैं और भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट भारतीय एयरटेल में है, तो ये टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।